हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट के अंदर इकोजेनिक कार्डियक फोकस क्या होता है। इकोजेनिक कार्डियक फोकस जो कि आपके बच्चे के हार्ट में दिखता है जब आप एनोमली स्कैन कराती हैं, नॉर्मली पांचवें महीने के अल्ट्रासाउंड में लेवल 2 स्कैन में, और आप डर जाती हैं। डॉक्टर आपको बोलते हैं कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, आपके बच्चे की इकोकार्डियोग्राफी कराओ, कहीं बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं है, आप फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। देखो, इकोजेनिक कार्डियक फोकस जो होता है वो लेफ्ट साइड के हार्ट में 5% प्रेगनेंसीज में मिलता है। वो अपीयर करता है जैसे गोल्फ बॉल, जैसे फोटो में देख सकते हैं एक छोटी सी गोल्फ की राउंड कलर की व्हाइट कलर की बॉल होती है, वैसा दिखता है हार्ट के अंदर। ये कुछ नहीं होता। अगर बच्चे को कोई और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट वाले उसमें बताया था आपको वीडियो में, इसी तरह से इंट्राकार्डियक जो फोकस है व्हाइट कलर का, वो सिंपल कैल्शियम डिपोजिशन, मसल्स बन रही हैं, जैसे बोन बन रही है, जैसे हार्ट बन रहा है, जैसे ब्रेन बन रहा है, हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं वो भी बड़ी होती है, उसके अंदर कैल्शियम और मिनरल्स डिपॉजिट हो रहे हैं। और कभी कभी आप 2 महीने बाद सोनोग्राफी कराओगे तो दिखेगा नहीं। ओके।